सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वेलकम टू आर चैनल। तो अज आपां करना है कवर GS 1 दा सिलेबस फोर पंजाब PCS, ठीक है, जिहदे विच आपां ऑलरेडी इस सीरीज़ दे विच इंग्लिश एंड पंजाबी दा जो मेन्स दा सिलेबस है वह कवर कर चुके हाँ। तो यह मेन्स दा सिलेबस है, प्रीलिम्स दा नहीं। प्रीलिम्स दा फिर कवर कर लांगे बाद विच, पहला असीं मेन्स शुरू किया है, ठीक है। तो ये अज GS 1 कवर करांगे। तो वो आएगा जी, अपने को तीन सब्जेक्ट आ जाएंगे GS दे विच, हिस्ट्री, जियोग्राफी ते सोसाइटी, ठीक है। ये तीन सबजैक्ट होंगे तो इन्हां दे बेस ते ही जो क्वेश्चनिंग आएगी, ठीक है। 10-10 मार्क्स की 15-15 मार्क्स के क्वेश्चनस होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डायरैक्ट 15 जिवें मार्क्स के हो गए, कुछ पार्ट्स के डिवाइड होंगे, इस तरह क्वेश्चनिंग आएगी। सो सब तो पहला है हिस्ट्री का। हिस्ट्री दे विच अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जिन्हों UPSC वाले बच्चे इग्नोर कर देंगे है बेटा जी, ठीक है। अगर तुम PCS तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इज़ वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर तुम PYQs चक के वेखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्टरी चो पूछे गए हैं, जो कि अपन UPSC के पेपर च उस लैवल तक नहीं मिलते, कि UPSC वर्ल्ड हिस्टरी में इन्नी इंपोर्टेंस नहीं दिंदा, ठीक है। बट PCS दे विच प्रीलिम्स भी ते मेन्स विच दोनों लिए हिस्टरी इज ऑफ वर्ल्ड इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो इस पार्ट नू लैफ्ट नहीं करना। ये 18th सेंचुरी तो लैके जिहड़े इवेंट्स आनगे जिवें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉरस हो गए, रीड्रॉल ऑफ नैशनल बाउंड्रीज, कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, पोलिटिकल फिलोसफीज जिमें कि कम्यूनिज़म, कैपिटलिज़म, सोशलिज़म, ठीक है। यह सारा कुछ तुहानू कवर करना है। ये तुसी 9th ते 10th दी जो NCERT दी बुक है कंटेंपरेरी वर्ल्ड उन्हू फॉलो करो, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਵਰੇਜ, ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਆਲਮੋਸਟ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ 20 ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ 10 ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੈ PCS ਦੇ ਵਿੱਚ, UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਆਫ ਆਰਟ ਫੋਰਮਸ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਰੋਮ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਪਤਾ, ਕੁਸ਼ਾਂਸ, ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨਾ, ਆਪਣਾ ਮਿਡੀਵਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਸ, ਸੁਲਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਆਸਕਡ। ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਈ ਸੈਡ ਆਸਕਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਏਨਸ਼ੀਅੰਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਲਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਂਡਵਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਟੈਂਪਲਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਜੋ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮਿਡੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਕਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਚਨ UPSC 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। PCS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PYQs ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 10-10 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੁਗਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰੱਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਆਫ 18th ਸੈਂਚਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ MK ਗਾਂਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਹੋ ਗਏ, ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿੱਦਿਆਸਾਗਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, UPSC ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ PCS, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ,
ठीक है, बाकी इवेंट्स आप जो स्पेक्ट्रम दे विच पढ़ते हैं वो सारी दी सारी बुक इंपोर्टेंट है, कि तो भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर आगे जी सोशियो रिलीजियस फ्रॉम मूवमेंट्स जड़ियाँ कि पंजाब के नाल रिलेटेड ने, असी आपके चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कीतियां हुई ने, निरंकारी मूवमेंट होगी, सिंह सभा मूवमेंट होगी, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट होगी, ठीक है, वह तुसी साढ़े चैनल तो ही कर लेनिया ने, ठीक है, सफिशेंट ने। अगर फिर भी कोई डाउट हो, किसी भी तरह की कोई क्वायरी होएगी, सूँ कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो, साढ़े कॉन्टैक्ट भी दिते हुए हैं, तुसी सूँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर फ्रीडम स्ट्रगल आ गया, उनके स्टेजिस आ गए, इंपोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स आ गए, ठीक है, ये सारा कुछ विद स्पैशल रेफरेंस टू पंजाब, जोड़े पंजाब के नाल रिलेटिड इवेंट ने वो कवर करने ने, जिमें कि गदर पार्टी वाला हो गया, उन्हें मोस्ट ऑफ पंजाबी सीगे, ठीक है, भगत सिंह हो गया, ठीक है, इदा दीज़ा नौजवान सभा होगी, ठीक है, वह चीज़ा आपने कवर करनिया ने, ठीक है जी। फिर जल्लियांवाला बाग मसकरे हो गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, यह जो मोटे मोटे कामा घाटा मारू इंसीडेंट हो गया, ठीक है, वह तुसी कर लेना है। उस तो बाद आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलीडेशन रीऑर्गेनाइजेशन, यही टॉपिक इंपोर्टेंट है बट कह लो इन्ना नहीं, ठीक है, इन्हें तुसी लास्टली छड़ सकते हो, स्पेक्ट्रम के पिछे ही थोड़ा जहा दिता होया है, दैट इज़ सफिशेंट फॉर द क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। उस तो बाद हिस्टरी ऑफ पंजाब, यही अलग तो है, यूपीएससी दे विच नहीं हैगा, पंजाब पीसीएस दे विच इहदे विच क्वेश्चन आते हैं, डायरैक्ट क्वेश्चन 10 or 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स दे विच हालांकि काफ़ी क्वेश्चन हिस्टरी ऑफ पंजाब चो होंगे ने, 10 to 10 क्वेश्चन तो पक्का ही नहीं, और 10 to 15 भी रेंज आ सकती है, ठीक है। सो इहदे विच सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, यही उन्हों का जो काल टाइम पीरियड है ना 1799 तो लैके 1849 तक, किसी भी कीमत पर नहीं छटना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन विद ब्रिटिश, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक चो। एनेक्सेशन ऑफ पंजाब विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉस एंग्लो सिख वॉर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यही भी असी महाराजा रणजीत सिंह एंग्लो सिख वॉर साढ़े चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ पईयां ने, ठीक है, तुसी देख सकते हो, ठीक है, साडा बुक पंजाब दे रेफरेंस दे नाल दित्तियां होईयां ने, ठीक है, ये चंगी तरह टॉपिक कवर किए हुए उहदे विच, ते यू कैन रैफर दैट अगर तुहानूं कोई सोर्स नहीं मिल रहा तां। उस तो बाद जो जियोग्राफी है, जिवें कि यूपीएससी दे विच हुंदा फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, उहदे विच साइलेंट फीचर ऑफ वर्ड्स, फिजिकल जियोग्राफी की, नैचुरल रिसोर्सिस, ठीक है, उहनां दा डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी सैकेंडरी टर्शरी सैक्टर, जो भी आप यूपीएससी के पढ़ते हाँ वो सारा कुछ है, ठीक है। फिर इंपोर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना दे विच अर्थक्वेक, सुनामी, वोलकैनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जियोग्राफिकल फीचर, देयर लोकेशन चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर, फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट ऑन चेंजेस, ठीक है, यही सारा कुछ ये आप यूपीएससी के भी करते हाँ। द डिफरेंस की है कि ये एक होर है जियोग्राफी ऑफ पंजाब, ये स्पेसीफिकली पंजाब की जियोग्राफी कवर करनी है, ऑलरेडी साढ़े चैनल पर वीडियोज़ पईया हुई ने, ठीक है, तुसी रैफर कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट, कोई मन च शंका रही है, यू कैन फ्रीली आस्ट, असी होर मटीरियल अपलोड कर देंगे, ठीक है, साढ़ा एक ही इंटेंशन है कि तुहाडे तैयारी वधिया तरह हो जाए, ठीक है जी। तो फिजियोग्राफिकल डिटेल पंजाब की आ गई, फिर जियोमॉर्फिक फीचर आ गए, पंजाब की लोकेशन विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। उस तो बाद क्रॉप्स ऑफ पंजाब आ गई, मॉडर्न कंसैप्ट ऑफ फार्मिंग, ठीक है, यह टॉपिक हाले असी अपलोड नहीं किया, आने वाले टाइम के अपलोड किया जाएगा, ठीक है। उस तो बाद आ गई जी सोसाइटी, ये तुसी यूपीएससी दे विच भी कवर करते हो, ये मैं तुम्हें थोड़ा जहा कहूँगी कि थोड़ा जहा शिफ्ट होवो करंट अफेयर्स के, उत्तों एग्जाम्पल्स वगैरह तुम्हें चकनिया पैनगियाँ बेसिक कवर करने तो बाद। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी,
डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमन। वुमन इन्ना इंपोर्टेंट टॉपिक है, इन्ना इंपोर्टेंट टॉपिक है फॉर UPSC, फॉर PCS। ठीक है, ये तो ऐसे भी देखने मिलेगा तो क्वेश्चन भी मिलेगा। ठीक है, वुमेन्स दी ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन इशूज, आ सारे टॉपिक इन्ने ज़्यादा इंपोर्टेंट, इन्होंने डायरैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर तुम वधिया तरह तैयारी करते हो तो यू कैन लीड विद दिस टॉपिक्स। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, डायरैक्ट क्वेश्चन आता है। सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सैकुलरिज्म, चार ही टॉपिक ही बहुत इंपोर्टेंट ने। उस तो बाद एथिक्स से सोसाइटी आ गई। देखो UPSC दे विच एथिक्स अलग तो पेपर होंदा है GS 4 वाला, बट ये इकट्ठा ही है। ठीक है, एक अद्धा क्वेश्चन आ जाएगा। इसेंस, डिटरमिनेंट्स, कंसीक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशंस, बस इन्ना ही है। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी नाल रिलेटेड एक अद्धा एथिक का क्वेश्चन पूछ लेंगे। दिस अगेन पार्ट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, ह्यूमन वैल्यूज, ये रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ गए, लैसन फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग्स, आह जो लीडर्स दिते है इन दियाँ टीचिंग्स वगैरह पढ़निया ने, गौतम बुद्धा, महावीरा, कबीर, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले, शिवचंद्र विद्यासागर, इन्हों तो किसी भी कीमत नहीं छड़ना। ठीक है, इस तो अलावा अगर तुम्हें एक दो इंपोर्टेंट लगती ने तो तुम कर सकते हो। ठीक है, बाय चांस पूछ लिया जान तो तुम्हें चीज़ों का पता हो। ठीक है, अदरवाइज ये सिलेबस वाली तो किसी भी कीमत पर नहीं छड़नी। वल्नरेबल सैक्शन के वेलफेयर स्कीम्स जिहड़ियां सेंटर ते पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने दित्तियां ने, उन्हां दी परफॉर्मेंस किवें रही, जिवें आपां UPSC दे विच कवर करते हाँ उवें PCS च कवर करनियां ने, मैकेनिज़म, लॉज, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज़। ठीक है, उन्हां दी प्रोटेक्शन वास्ते ते बैटरमेंट वास्ते जो वल्नरेबल सैक्शनस ने। ठीक है, यही कर लेना है। इशू रिलेटेड टू डिवेलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सैक्टर, कहड़े कहड़े, हैल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सिज, इशूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी ते माल न्यूट्रिशन। ठीक है, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन दे नाल रिलेटेड जो इशूज ने। ठीक है, सो यही सीगा GS 1 का सिलेबस। ये तुसी अगर तुहानू सोर्सिज ना पता लगन तुसी सानू कमेंट सैक्शन च दसो, वी विल अपलोड द वीडियो रिलेटेड टू द सोर्सिज। वैसे सी पिछे वीडियोज़ अपलोड कीतियां भी हुई ने, तुसी उन्होंने रैफर कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहिंदा है तुसी किसी भी टाइम कुछ भी सानू पूछ सकते हो, साडा यही मोटिव है। यह फ्री इनिशिएटिव इसीलिए चलाया गया है कि जो बच्चे कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते या जिन्हों सही गाइडेंस नहीं मिलती, वह सानू फॉलो करके आपकी प्रैपरेशन कर सकन। ठीक है जी, सो बने रहो साडे नाल, चैनल में वो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर नवे हो तुम भी तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, थैंक यू सो मच।